थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भ्रमणगांव में नर्मदा नदी में समीपस्थ ग्राम लखनगांव से नहाने आए युवक आरोप पिता मोहन भासले उम्र 17 वर्ष व साथी राज प्रकाश उम्र 16 वर्ष गहरे पानी में जाने से डूब गए। यह रिश्ते में मामा भांजे थे। ग्रामीण व नाविकों की मदद से जाल डालकर गोताखोरों के द्वारा करीब एक घंटे से अधिक समय तक दोनों युवकों को नर्मदा नदी से निकाला गया। इस दौरान नर्मदा घाट पर सैकड़ों लोगों का जमाव लगा रहा। सूचना मिलते ही ठीकरी पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। बताया जा रहा है कि चिलचिलाती धूप व भीषण गर्मी से बचने के लिए पूर्णिमा पर नर्मदा स्नान के लिए नर्मदा तट पर लोग नहाने पहुंचे, जिसमें यह मामा भांजे भी नर्मदा स्नान करने गए थे। नर्मदा का पानी बहाव तेज हो गया और गहराई में यह दोनों डूब गए। दोनों को ठीकरी अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मामा भांजे को मृत घोषित कर दिया, जिसके उपरांत दोनों का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। ब्राह्मण गाँव में नर्मदा के अंदर डूबने से दो लोगों की मौत हो गई, क्या कहेंगे? आज सुबह करीबन 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि ये लखन गांव जो अंजर थाने में पड़ता है, इसके पिताजी आए थे और उनके साथ में दो बच्चे आए थे, नहाने के लिए आए थे। ये घाट पर नहा रहे थे, इसी दौरान एक 14 साल का बच्चा और एक 17 साल का बच्चा नहाने के दौरान डूब गए हैं। पुलिस पहुंची मौके पे और उनको गांव की मदद से निकलवाया है। पीएम की कार्रवाई चल रही है, मर्ग इंटीमेशन दाखिल कर लिया है, जाँच कार्रवाई जारी है। सर, इसमें बताया जा रहा है दोनों आपस में मामा भांजे? हाँ, पिताजी थे और उनके पुत्र थे और साथ में उनके परिवार का ही लड़का था, तो शायद रिश्तेदार है आपस में।